तो भाई मैं बहुत दिनों से देख रहा हूँ कि लड़के आजकल ये इंस्टा पे स्टोरी डालते हैं दारू पीते हुए, हुक्का पीते हुए। भाई गलत चीज़ है, पहले मैं भी पीता था पर भाई इससे कुछ नहीं होता, शरीर का नुकसान है, मैंने भी छोड़ दिया है। तो ज्यादा से ज्यादा कोशिश करो भाई, तेरे पैक में पानी डालो, सोडा डाल दी। तो कोशिश करो छोड़ने की और मत क्या करो यार, सब गलत चीज है। जानू यार मैं तुमसे नाराज हूँ। क्यों डार्लिंग? तुम बहुत गंदे हो। मैंने क्या किया? तुम मुझे मनाते भी नहीं हो। तू क्या, कोई त्योहार है जो तुझे मनाऊंगा? कितनी अजीब बात है, जब हम सोचते किसी से बात करें, किसी को मैसेज करें तो सामने वाले का रिप्लाई आसानी से नहीं आता। आप थक जाओगे, मर जाओगे वेट कर करके, पर रिप्लाई नहीं आएगा। और जब फिर अपन सोचते कि यार नहीं करना किसी से बात, अकेले अच्छे हैं, अपने में खुश रहेंगे, मीम देखेंगे, तभी मैसेज आ जाता है। और अपन ठहरे अच्छे लोग, अपन से इग्नोर नहीं होता, अपन तुरंत करते, एक सेकंड में रिप्लाई। किसी के घर मेहमान बनकर जाओ और सब पास बैठे हो तो टेंशन सी हो जाती है कि खाने का बंदोबस्त कौन कर रहा है। अगर मैं आपके घर आऊं तो मुझे चाय के लिए बिल्कुल मत पूछना, सीधे ले आना, मैं मना नहीं करूंगा। हाँ। सपने वो नहीं जो आप सोते हुए देखते हैं, सपने वो हैं जो वो आपको दिखा के रिचार्ज करवा लेती है। यार मैं जो भी काम शुरू करता हूँ मेरी बीवी बीच में आ जाती है। तू ट्रक चला के क्यों नहीं देखता, शायद किस्मत साथ दे दे। हर लड़के को अपनी कामयाबी के रास्ते में एक लड़की जरूर मिलती है, बस तुम उससे बच जाना, तुम्हें कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। भाई सबसे बढ़िया कौन है, पत्नी या बहन? पत्नी की बहन। एक बार होठ पे, दो बार गाल पे, एक बार माथे पे और खूब सारा हाथों पे। वैसलीन जरूर लगाना, सर्दी है वरना फट जाएगी स्किन। तरस जाओगे मुझसे मिलने के लिए, एक बार 40 से 50 हजार उधार देकर तो देखो। कितने ही वैज्ञानिक पैदा हुए और मेडल लेकर मर गए, लेकिन ये पता नहीं लगा पाए कि नहाने के बाद शरीर तो साफ होता है, तो फिर तौलिया गंदा कैसे हो जाता।